नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक नई किताब की विवेचना करेंगे और ये किताब है चार्ल्स डुहिग द्वारा लिखी हुई पावर ऑफ हैबिट। इसका सारांश हम जानेंगे। इसको तैयार करने के लिए लेखक ने सैकड़ों केस स्टडीज और साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स का अध्ययन किया। ये किताब केवल मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के लिए नहीं है, इसमें सोशल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस तीनों को गुथने का प्रयास किया है। उन्होंने ये सिद्ध किया है कि आदत को समझा जा सकता है और बदला भी जा सकता है। पहले अध्याय में वो एक हैबिट लूप को समझाते हैं। एक होता है क्यू, और फिर हम एक्शन लेते हैं और फिर रिवार्ड मिलता है। ये एक हैबिट लूप है। हम संकेत प्राप्त करके उस पर कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई से फिर उपलब्धि का इनाम मिलता है। इस चक्र को दोहराते दोहराते आदत बन जाती है। उदाहरण के लिए हम स्मोकिंग को लेते हैं। जब धूम्रपान करने वाला व्यक्ति एक संकेत पाता है, जैसे मार्लबोरो का एक पैकेट, तो धूम्रपान करने वाले का दिमाग निकोटिन का कश लगाने की उम्मीद करने लगता है और ये निकोटिन की तलब मस्तिष्क को तरसाने के लिए काफी होती है। और यदि वो नहीं मिलता तो ये तड़फ तब तक बढ़ती रहती है जब तक धूम्रपान करने वाला सिगरेट के लिए बिना सोचे समझे पहुंच नहीं जाता है। हमारा दिमाग प्रयास को बचाने के लिए आदत का निर्माण करता है। आदत को बनने के लिए हमारी अनुमति की जरूरत नहीं है। हमारी 40-45% दैनिक क्रियाएं, जैसे एक ही हाथ से ब्रश करना या ड्राइविंग करना, ये हमारी आदतें हैं। आदत के फलस्वरूप हम कड़ी मेहनत भी करते हैं, क्योंकि हम किसी परिणाम या प्रशंसा की अपेक्षा करते हैं। यही इनाम है, ये रिवार्ड है। जब हम गंदे कमरे को साफ करते हैं तो एक प्रकार की खुशी महसूस होती है और ये खुशी की तलब ही सफाई की आदत का निर्माण करती है। जब लोग माउथ वॉश का इस्तेमाल करते हैं तो इसके बाद एक झुनझुनी और एक ताजा गंध का आश्वासन मिलता है। ये रिवार्ड है, यही पुरस्कार है। कंपनियां उपभोक्ताओं की दैनिक आदतों के अध्ययन पर लाखों डॉलर खर्च करती हैं। जैसे कि कंपनियां जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी पहचान के लिए स्टोर में उनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, क्योंकि एक गर्भवती महिला बड़ी प्रोस्पेक्टिव बायर है। कई बार तो ऐसा होता है कि महिला घर वालों को बताए इससे पहले कंपनी वालों को पता लग जाता है, क्योंकि गर्भवती महिला और उसका परिवार काफी खर्च करने वाला होता है। कंपनी बिक्री बढ़ाने के लिए हमारी आदतों का इस्तेमाल करती है और इसीलिए डेटा के पीछे पड़ी रहती है। आजकल जो इंटरनेट कंपनियां हैं, आमतौर पे जो बायर होता है वो अलमारियों को देखने के लिए दाईं तरफ मुड़ने की आदत होती है हमारे अंदर। तो आप ये देखेंगे कि जो स्टोर मालिक है दाईं तरफ खाने पीने की अच्छी टेम्पटिंग चीजें रखते हैं और बाईं तरफ कोई नैपकिन वगैरह डिस्पोजल वगैरह होती है। हमारा दिमाग अच्छी और बुरी आदत के बीच तय नहीं कर पाता है। अच्छी आदतों का पोषण करना और बुरी आदतों की जांच करते रहना, ये हमारा काम है। नई आदतें बनती कैसे? एक संकेत, एक दिनचर्या और एक इनाम, यानी कि क्यू, एक्शन, रिवार्ड, इन तीनों को एक साथ रखकर लूप बनाने वाली लालसा आदत के मूल में होती है। आदतें व्यक्तिगत होती हैं, संगठनात्मक होती हैं और कम्युनिटी यानी सामुदायिक होती हैं। व्यक्तियों की आदतें होती हैं और संगठनों के रूटीन होते हैं, दिनचर्या होती है। डुहिग के अनुसार जब लोग भरोसा और अपने फैसलों पर नियंत्रण करते हैं तो ज्यादा उत्पादक बन जाते हैं। जैसे स्टारबक्स और एल्कोआ जैसी कंपनियां अपने कर्मचारियों की आदतों में बदलाव करके भारी मुनाफा कमाती हैं, ये स्टैटिस्टिक्स है। और इसी तरह प्रशिक्षकों ने अपने खिलाड़ियों की आदतों में बदलाव करके अपने पदकों की संख्या दुगनी की है। आदतें खत्म नहीं की जा सकती, उन्हें बदला जा सकता है। आदतें कागज की तय की तरह होती हैं। जैसे कागज आप मोड़ देंगे 2-3 बार, फिर उसे सीधा करके छोड़ेंगे तो वह तय के हिसाब से मुड़ने लग जाएगा। तो इसी तरह से आदत काम करती है।
ये जुआ घर या कसीनो मालिक हैं, ये अपने ग्राहकों को जुआ खेलते रहने की खातिर उन्हें आकर्षित करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री पास या खाना आयोजित करती हैं। कई बार तो कूपन घर पर ही भिजवा देती हैं। आदतें पानी की धारा की तरह है जो गहरे और चौड़े होते हुए मैदान तक जाती है, फिर अगली बार जब धारा बहेगी तो उसी रास्ते पर बहेगी। ऐसे ही हैबिट काम करती है, ये बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के उसी रास्ते का अनुसरण करती है। यही कारण है कि हम एक ही प्रकार के टूथपेस्ट या सिगरेट के ब्रांड के आदि हो जाते हैं। ये किताब एक वैज्ञानिक विश्लेषण और अंतर्दृष्टि देती है कि आदतें बनती कैसे हैं। बुरी आदतें व्यक्तियों और संगठनों की प्रगति को अवरुद्ध करती हैं। कुल मिलाकर ये पुस्तक पढ़ने लायक है। और जो चार्ल्स डुहिग हैं, ये एक न्यूयॉर्क टाइम्स के खोजी रिपोर्टर हैं। इन्होंने लगभग 300 रिसर्च पेपर और सैकड़ों मनोवैज्ञानिकों के इंटरव्यू लिए, पेशेवरों से और डॉक्टरों के इंटरव्यू भी लिए। इस किताब के बनने में काफी साइंटिफिक डेटा का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए पढ़ने लायक है। और लैंग्वेज बहुत सुगठित है, और मेरे पास जो कॉपी है उसका कागज भी अच्छा है, क्योंकि एक जो पढ़ने का शौकीन होता है उसे कागज की क्वालिटी भी अच्छी चाहिए और छपाई भी अच्छी होनी चाहिए। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कामना करता हूँ कि आपका दिन बहुत ही खूबसूरत गुजरे, कल से अच्छा गुजरे। नमस्कार।